प्रिय छात्रों, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शैक्षिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एमए हिंदी प्रथम सत्र के छात्रों के लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है छायावाद और जयशंकर प्रसाद। हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है सर। वैसे तो आपको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम अपने छात्रों के लिए संक्षिप्त रूप में ये बताता चलूं कि आपका संबंध दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई और हैदराबाद दोनों स्थानों से रहा है। इसके अतिरिक्त आपने देश के अन्य स्थानों पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। देश के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से भी आप वाबस्ता रहे हैं और उनके संपादकीय मंडलों में भी आप मौजूद हैं। प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा के इस संक्षिप्त परिचय के बाद अब हम अपने विषय की ओर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सर कि आज का हमारा विषय है छायावाद और जयशंकर प्रसाद, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि छायावाद क्या है और किसे छायावाद हम कहेंगे, और ये कि छायावाद की खास बातें क्या हैं जिससे इसने एक अलग पहचान बनाई है। डॉक्टर आफताब साहब, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की इस सवाल के साथ। जब हम जयशंकर प्रसाद को समझने की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो पहले छायावाद को और बल्कि उस समय के पूरे परिवेश को समझना हमारे लिए जरूरी होगा। किस समय के? छायावाद असल में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में 1916 या 1918 से लेकर 1936 तक का जो काल है उसे छायावाद के नाम से जाना जाता है। और इन तारीखों के पीछे 1916-18 या 1936 इसके पीछे क्या कारण है, इसके विस्तार में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपने जैसा कहा कि किन्हें या किन रचनाओं को हम छायावाद कहते हैं या वो कौन से लक्षण हैं जो पहले की कविता से इस काल की कविता को, छायावादी काल की कविता को अलग करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हमें तफसील में जाना पड़ेगा पीछे के 1914 में पहला विश्व युद्ध या महायुद्ध छिड़ा और 5 साल 1919 तक वह पूरी दुनिया के सोच को प्रभावित करता रहा। और यहां से एक इसका जो परिणाम था युद्ध का, उससे दुनिया भर में जो अंध राष्ट्रवाद था उसकी प्रतिक्रिया में व्यक्तिवाद उभरा, इंडिविजुअलिज्म। और इस व्यक्तिवाद की जो काव्यात्मक प्रतिश्रुति है वह हमें छायावाद में देखने को मिलती है हमारे यहाँ। लेकिन ये केवल हिंदी के साथ ही ऐसा नहीं है, दुनिया भर की भाषाओं में और खास करके भारत की भाषाओं के साहित्य में इस अवधि में लगभग इसी तरह की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। इसीलिए छायावाद को स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म से जोड़ा जाता है एक तरफ, दूसरी तरफ यह कि यही वह समय था जब यानी 1911-12 में दुनिया में भारत की कविता की धूम रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि के कारण मच रही थी, और जो नई पीढ़ी के रचनाकार थे वे
गीतांजलि की काव्य शैली और काव्य वस्तु से आकर्षित हो रहे थे, प्रभावित भी हो रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि गीतांजलि में जो गीतात्मकता है, गीतांजलि में जो आध्यात्मिकता है, गीतांजलि में जो प्रेम, प्रकृति और रहस्य है, वह हिंदी की कविता को भी प्रभावित करने लगा। अब हिंदी की कविता का अपना माहौल क्या था इससे पहले का? हिंदी की कविता का अपना माहौल यह था कि 1850 या उसके बाद का जो समय है, वह हम कहें कि हिंदुस्तान में आधुनिकता के फैलने का समय है, या जिसे हम कहते हैं आधुनिक बोध के फैलने का समय है। और इस आधुनिक बोध के फैलने के साथ हमारे यहां हिंदी में कविता व्यापक रूप से आम आदमी के साथ, जनता के दुख दर्द के साथ, उसके हर्ष और विषाद के साथ जुड़ना शुरू करती है। और इसी समय भारत में नव जागरण आंदोलन या पुनर्जागरण आंदोलन या रिनेसां जिसे आप कहते हैं, वह आरंभ होता है। इसका प्रतिफलन भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कविता में हमें देखने को मिलता है। लेकिन द्विवेदी युग की कविता तक आते आते स्थिति इतनी जखड़बंदी वाली हो जाती है कि नए युग का जो कवि था वह अपने आप को एक फ्रेम में बंधा हुआ महसूस करने लगता है। यानी एक तरह की साहित्य के ऊपर विशेष प्रकार की नैतिकता, उपदेशात्मकता इत्यादि जो है वह अपना बोझ बनाने लगी थी। तो इसकी प्रतिक्रिया में भी स्वच्छंदतावाद का रास्ता या रहस्यवाद का रास्ता या प्रकृति के मानवीकरण का रास्ता या आध्यात्मिकता का रास्ता, एक ऐसा नया रास्ता दिखाई दिया रचनाकारों को जो पहले की बनी हुई परिपाटी को तोड़ने का काम करता था। अब थोड़ा सा ये बताइएगा कि छायावाद की वो क्या प्रवृत्तियां रही हैं जिसकी वजह से छायावाद ने एक नई शक्ल अख्तियार की। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा इस बात पर भी विचार करने की जरूरत है कि ये छायावाद शब्द आ कहां से गया। जब हम कह रहे हैं कि स्वच्छंदतावाद, असल में स्वच्छंदतावाद कहना अपर्याप्त है इस काल के कविता के लिए, या रहस्यवाद कहना अपर्याप्त है इस काल की कविता के लिए। और एक और चीज, चूंकि जब कोई नई तरह की चीज आती है, साहित्य में घटित होती है, तो मनुष्य की जैसे प्रवृत्ति है ना कि समय को, तो हम कहते हैं समय और प्रकृति परिवर्तनशील है, लेकिन मनुष्य जो है वो एक यथास्थिति चाहता है। तो यही बात, जब नई तरह की कविता आनी शुरू हुई तो जो हमारी द्विवेदी युगीन कविता के पैरोकार थे, उन्होंने इस कविता पर एक तरह से लांछन लगाना शुरू किया, इसका मखौल उड़ाना शुरू किया। और यह एक तरह से आरोपित करने के लिए ही इन्हें छायावाद नाम दिया गया, बाद में यह नाम रूढ़ हो गया। 1920 में श्री शारदा नाम की पत्रिका में मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद शब्द का, जिसे कहें कि सकारात्मक रूप में प्रयोग किया और इसके स्वरूप पर विचार किया। यानी 1920 तक यह विधिवत स्थापित हो चुका था। जो 16 और 18 की बात हम कर रहे हैं, 1916 और 18 की, उसे भी साफ कर देना जरूरी है कि हम ये दो तारीखें क्यों बोल रहे हैं। प्रायः यह माना जाता है कि जयशंकर प्रसाद की कविता या उनके काव्य संग्रह झरना, जिसका प्रकाशन 1918 में हुआ था, उससे छायावाद आरंभ हुआ। और जयशंकर प्रसाद की ही महान कविता महाकाव्य कामायनी के साथ यह एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया जिससे आगे राह नहीं थी, वहां से राह बदली ही जा सकती थी, इसलिए 36 के बाद राह बदली। लेकिन 16 हम क्यों कह रहे हैं, बाद में यह पता चला कि एक बहुत महत्वपूर्ण रचना जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जूही की कली, वह 1916 में लिखी जा चुकी थी, प्रकाशित चाहे बाद में हुई। तो इसलिए यह भी कहा जाता है कि 1916 से और 1936 तक का, यानी 20 साल का समय जो है, वह छायावाद का समय है। अब रही बात प्रवृत्तियों की,
तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो है वह यही है इसकी कि मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि द्विवेदी युग की जो कविता थी वह एक तरह से रूढ़ हो गई थी, अनुशासनबद्ध हो गई थी, उपदेश प्रधान हो गई थी। एक शब्द चलता है इति वृत्तात्मक, यानी जिसे कहें कि विवरणात्मक, जैसा देखा वैसा विवरण कर दिया। तो इससे इस पूरी प्रवृत्ति को कहा गया है स्थूलता की प्रवृत्ति। कविता जो है वो नैतिकता के और उपदेश के आग्रह के कारण द्विवेदी युग में स्थूल हो गई थी, अर्थात भाव प्रधानता और कल्पना प्रधानता जो है उसके लिए नई चीज थी। ये जो छायावाद के कवि आए ये भाव और कल्पना को विचार और नैतिकता और उपदेश के ऊपर स्थापित करते हुए आए, इसलिए इस प्रवृत्ति को हिंदी साहित्य के आलोचकों ने या इतिहासकारों ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। यानी इसे आप यूं कह सकते हैं कि जो इतिवृत्तात्मक या उपदेशात्मक या नैतिकतावादी कविता थी उसकी प्रतिक्रिया के रूप में भाव प्रधान कल्पना प्रधान कविता का आगमन हुआ। ये एक प्रवृत्ति है। दूसरी चीज जो इसकी है वह जैसा मैंने पहले भी कहा, पहले विश्व युद्ध की प्रतिक्रिया के रूप में दुनिया भर में जो व्यक्तिवादी रुझान दिखाई दिया, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आई, तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का दर्शन वहां से यात्रा करता हुआ भारत में आ रहा था और हमारे इन नए कवियों को प्रभावित कर रहा था। इससे व्यक्ति की मुक्ति या व्यक्ति की स्वतंत्रता इस कविता का मुख्य स्वर बनी। आप इसे यूं भी कह सकते हैं, अब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को कैसे प्रकट करता है? कविता में जब आपको अपनी स्वतंत्रता को प्रकट करना है तो वैयक्तिक प्रेम या निजी विषयों को आप कविता का विषय बनाएं। जब आप निजता को, अपनेपन को या कहें कि व्यक्तिगत अनुभूतियों को कविता का विषय बनाएंगे तो सहज रूप से व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता सामने आएगी और यहीं समाज और व्यक्ति का द्वंद्व भी दिखाई देता है। यह जो व्यक्ति स्वतंत्र है यही प्रेम की प्रधानता का कारण बनता है, आधार बनता है। अब यह कि प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे हो, प्रेम की अभिव्यक्ति की हमारे यहां एक पुरानी परिपाटी चली आई कि वह किसी नायक और नायिका के माध्यम से, किसी राजा और राजकुमार और राजकुमारी के माध्यम से, किसी देवता और अप्सरा के माध्यम से, यानी उस समय का जो भक्ति काव्य है वहां का जो प्रेम काव्य था वहां से चलते हुए राम और सीता का श्रृंगार, बड़ा संयमित श्रृंगार, उसके बाद कृष्ण और राधा और कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम आया वह श्रृंगार और उसका परिणाम श्रृंगार काल या रीतिकाल की कविता। लेकिन मेरा प्रेम यह विषय कभी नहीं बना था, इस काल में मैं शैली का प्रयोग हुआ, कवियों ने मैं कह करके अपनी बात कहनी शुरू की। अब जो आवरण था हमारे पास में कि अपने मन की बात को कवि लोग राधा और कृष्ण के ऊपर थोप करके कहते आए थे, यहां राधा और कृष्ण हट गए तो अब प्रेम को कैसे प्रकट करें? यहां अब प्रेम को प्रकट करने के लिए, निजी प्रेम को प्रकट करने के लिए एक नए पर्दे की खोज हुई। पर्दा तो चाहिए, तो वह जो नया पर्दा है वह था अध्यात्म का पर्दा, यानी प्रेमी को परमात्मा का दर्जा दे दिया गया। प्रेमी और प्रेमिका जो है वे अब जो जायसी के जमाने में हम कहते थे कि आत्मा और परमात्मा का प्रेम, वही आत्मा और परमात्मा के प्रेम का रूपक जो है वह व्यक्ति के निजी प्रेम के ऊपर लागू होने लगा। इसका अर्थ यह हुआ कि लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम का अंतर मिट गया। यह पता नहीं चलता, आप फिर मैं रविंद्र की बात करूंगा, आप रविन्द्रनाथ ठाकुर को पढ़ें तो यह पता नहीं चलता कि
जिस प्रेम का वो वर्णन कर रहे हैं वह सांसारिक है या आध्यात्मिक है। असल में सांसारिक प्रेम को आध्यात्मिकता की कोटि तक उठाना और आध्यात्मिक प्रेम को सांसारिक प्रेम पर आरोपित कर देना, यह रहस्यवाद का एक रूप है। तो यह जो रहस्यानुभूति है यह इस प्रेम के साथ जुड़ी हुई है। और मैंने कहा कि मैं शैली जो है इस समय प्रधान हो गई और मैं शैली की प्रधानता के कारण गीत लिखे जाने लगे या गीतात्मकता। तो दासता के प्रति विद्रोह जो कि उस समय की मुख्य, जिसे आप कहें कि धारा थी हमारे पूरे भारतवर्ष की, वह इस व्यक्ति स्वातंत्र के साथ जोड़ी गई। यानी पहली शर्त तो यही है कि व्यक्ति स्वतंत्र हो, व्यक्ति स्वतंत्र हो उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां मिलेगी? जहां आजादी होगी। तो यह जो स्वतंत्रता का पूरा आंदोलन था वह व्यक्ति से जुड़कर और राष्ट्र की ओर उन्मुख होता हुआ चलता है। और इसके लिए पहले भी मैंने कहा कि एक सांस्कृतिक जागरण जो है इस काल के कवियों ने उसे घटित करके दिखाया अपनी रचना में। अब जबकि हमारा वर्तमान पूरी तरह से बिखरा हुआ था, खंडित था, ट्रैश था, वहां हमें प्रेरणा देने के लिए ठीक है गांधी जी हमारे सामने खड़े थे, लेकिन हमारा इतिहास बड़ा उज्जवल रहा। तो देश के इतिहास में जो जो इस प्रकार के प्रकरण थे या हमारी जो सांस्कृतिक चेतना धारा में जो इस प्रकार के प्रकरण थे जिनसे कि नई पीढ़ी को प्रेरणा और आत्मबल प्राप्त हो सकता था, उन्हें रोल मॉडल के रूप में भी लाया गया। इसीलिए केवल कविता की बात नहीं, नाटक भी लिखे गए, उपन्यास भी लिखे गए, कथा कहानी भी लिखी गई, सब में एक प्रकार से इतिहास से आत्मबल प्राप्त करने की, एक प्रेरणा प्राप्त करने की एक अंतरधारा लगातार चलती है। तो ये उसकी एक और प्रकृति है। अगर इस सारे को मैं समेटना चाहूं जिससे कि छायावादी प्रवृत्तियां हमें पहले की कविता से अलग दिखती हैं, तो कहना होगा कि कल्पना प्रधानता ने इस कविता को पहले की कविता से अलग पहचान दी। बड़े दिलचस्प अंदाज में आपने सरल शब्दों में छायावाद को बयान कर दिया है। अब मैं चाहूँगा कि ये जो पीरियड रहा है छायावाद का 20-25 सालों का, 1916 से लेके 36 समझिए बीसी, हाँ जी, कहा जाता है 18-20 वर्ष जी। तो ये जो छायावाद का काल रहा है इनमें कौन कौन से प्रमुख कवि हुए हैं जिनका शुमार छायावाद में किया जाता है और जिनकी वजह से एक नया रुझान स्थापित हुआ? मैंने दो नाम तो आपके सामने पहले ले ही दिए। असल में शुरू में ये कहा जाता था कि छायावादी कविता की एक त्रिमूर्ति है, त्रयी जिसे कहते हैं, त्रिदेव। भारत में एक परंपरा तीन की गणना करने की रही है ना, कि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उस त्रयी में जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन तीन के नाम लिए जाते थे। इनसे अगली पीढ़ी में यानी कुछ वर्ष पश्चात प्रवेश करती हैं महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा के प्रवेश करने से यह त्रयी त्रयी नहीं रहती, चतुष्टय बन जाता है। तो ये चार कवि जो हैं ये छायावाद का वृहत चतुष्टय है। छायावाद कहते ही हमें इन चारों का ध्यान आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि केवल चार ही लोग लिख रहे थे, 400 या 4000 भी हो सकते हैं, लेकिन जो इनका अनुकरण करने वाले या इनके समानांतर या साथ साथ चलने वाले जो अन्य रचनाकार हैं उनमें भी कुछ बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा और उदय शंकर भट्ट, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिकृष्ण प्रेमी मोहनलाल महतो, जानकी वल्लभ शास्त्री, सुमित्रा कुमारी सिन्हा। असली चीज यह है कि छायावाद आज तक भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो भाव प्रधान और कल्पना प्रधान कविता है, तो चलती तो आज तक आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, लेकिन एक मुख्य प्रवृत्ति के रूप में, जैसा मैंने कहा 1936 में
कामायनी की रचना के साथ एक ऐसी क्लासिक रचना हमारे सामने आ जाती है जिससे आगे, यानी जब इतनी ऊंचाई पर वो कविता पहुंच गई कि उससे आगे बढ़ना संभव नहीं है और परिस्थितियां बदल रही थी, तो एक नया मार्ग उसके बाद शुरू होता है। जी डॉक्टर साहब। प्रिय छात्रों, आज आपने छायावाद पर चर्चा सुनी, उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। अगले भाग में हम जयशंकर प्रसाद और उनके महाकाव्य कामायनी पर चर्चा करेंगे। आज आपने छायावाद पर विस्तृत चर्चा की, हम आपके आभारी हैं। अब आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। एक नए विषय के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।